बारात। जी हाँ, यही तो है मजा शादी शगन का। जी और सीजन आ चुका है, सीजन चल भी रहा है शादी का, इसलिए आज मौजूद है हम क्राउन प्लाजा टुडे न्यू दिल्ली ओखला में। शादी का घर सज चुका है भाई, क्योंकि अब बारातियों के लिए और दुल्हन के घर वालों के लिए यही है उनका डेस्टिनेशन हॉल पॉइंट, जहाँ पर उनका सारा सीजन, सारा कुछ, जितने भी कस्टम से वो चलने वाले हैं। तो चलिए जायजा लेते हैं अंदर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सोहित, जो कि है बैंकवेट मैनेजर। हाय सोहित। नमस्कार। नमस्कार। तो चलिए अब इन्हीं के साथ चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या चल रहा है और जायजा लेते हैं हमारे शादी के नए घर का। कम ऑन। So now we have with us Rakesh Sinha ji, jinki beti ki shaadi ho rahi hai. Hello sir. Hi. Hello. Rakesh ji, why you have chosen this property? Aisa kuch zehen mein tha ki nahi hame particular hotels, kyunki jab shaadi ka season hai, zahir si baat hai kafi sare aise hotels hain jahan pe kiya ja sakta hai. So why this particular property? Actually this my daughter's marriage was fixed in the month of say December. Mm-hmm. Then January we started in search of no good hotel or anywhere where we can go for this ceremony. Mm-hmm. And we had met around 3-4 hotel management in Delhi itself, because we wanted to do from Delhi, because people wanted, because you know this is a centralized place. Mm-hmm. अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं केशरी रंजन, जो कि क्राउन मीटिंग डायरेक्टर हैं। हेलो केशरी जी। नमस्कार, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली गुड। केशरी जी, शादियों का मौका है और पूरे अभी साया ही चल रहा है, इस दौरान लोगों को डेस्टिनेशन वेडिंग से लेके तमाम वो चीज़ें रहती हैं जो आप ढूंढते हैं, तो एज अ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आपको लगता है कि हाँ, दिस इज़ वन प्लेस स्टॉप जहाँ पे आप सब कुछ चीज़ें करवा सकते, राइट फ्रॉम योर डेकोरेशन टू एवरीथिंग? डेफिनेटली द क्राउन प्लाजा टुडे न्यू दिल्ली ओखला इज अ वेडिंग डेस्टिनेशन इन साउथ दिल्ली, एंड हियर वी कैन केटर अप टू 1000 पीपल very comfortably. We have open lawns, we have closed halls also, and here we can customize as per the guest requirements. So we are a one-stop shop for all the requirements. Mm-hmm. At the Crown Plaza Hotel Ocla. That's brilliant. यानी कि अगर हम सिर्फ ना ही यहाँ पे देख रहे हैं कि आप, जैसे कि हम लोगों सिन्हा जी से भी बात की कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक ही जगह पे रहें सभी इकट्ठे आके, क्योंकि सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है कि लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं हो पाती, रूम्स उतनी अवेलेबिलिटीज नहीं हो पाती, लेकिन इस प्रॉपर्टी में हम वो प्रॉब्लम नहीं देख फेस करनी पड़ती? सर्टनली। सो वी हैव 208 रूम्स, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट द बॉल रूम दैट वी हैव इज एट द मेन लॉबी लेवल, सो एक्सेस जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल है। हॉल जो है, हॉल भी काफ़ी बड़ा है, सीलिंग हाइट अच्छी है हॉल की, और साथ के साथ हमारा एक लॉन है जो कि ऑलमोस्ट 4000 स्क्वायर फीट का है, सो विंटर्स में एक बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन जाता है ओपन और क्लोज्ड का। ओके, यानी कि आपके लिए पास ऐसे कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे जब आप इस प्रॉपर्टी पे आते हैं, कि जहाँ अगर आप ओपन लॉन भी लेना चाहें, क्योंकि कई लोगों को रहता है कि थोड़ा सा जो बाकी रस्में जो हैं, रिवाज जो हैं, वो हम लोग इस पर करें, और अगर आप क्लोज सेरेमनी की बात कर रहे हैं तो वहाँ ऑब्वियसली आपके पास ये पूरा का पूरा हॉल है जहाँ पे, इसमें कितनी कैपेसिटी हो सकती है रंजन जी? अभी करंटली जिस हॉल में हम खड़े हैं, इसका नाम है एमरल्ड, तो इस हॉल की कैपेसिटी है 400 लोगों की। इसमें अगर हम हॉल के साथ लॉन को कंबाइन कर लें, जेड लॉन इसे बोलते हैं, देन इट बिकम्स अराउंड 1000 पीपल कंफर्टेबली। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1000 पैक्स का यहाँ पे आराम से इजिली यूटिलाइज हो सकता है। सिटिंग कैपेसिटी के अनुसार भी बात की जाए या फिर आप डेकोरेशन की बात की जाए, तो वो तमाम चीज़ें इसमें इजीली इंकॉर्पोरेट की जा सकती हैं। खाने का जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है, तो क्योंकि जाना ही जाता है, हॉस्पिटैलिटी का मतलब ही है खाना, तो यहाँ पर वो चीज़ों का भी ध्यान रखा गया है। खाने का जो हमारा फीडबैक और रिव्यूज़ हैं हमारे पास खाने के, बहुत अच्छे हैं, और जो हमारे शेफ्स हैं, हमारे शेफ्स जो हैं वो ख़ास तौर पे लोकल स्पेशलिटीज़ के साथ गेस्ट के हिसाब से अपने मेन्यूज़ को कस्टमाइज़ कर लेते हैं, और जो हमारे पास रिव्यूज़ आज तक फूड के आए हैं, साउथ दिल्ली में सबसे बढ़िया रिव्यूज़ आए हुए हैं, और जो हमारे जो भी रिव्यूज़ आते हैं, कुछ निगेटिव भी आते हैं, तो उनको हम बड़े अच्छे तरीके से उनको पॉजिटिवली लेते हैं और उस पर वर्क करते हैं। दैट्स वाई आजकल हमारा जो बैंक्वेटिंग है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है साउथ दिल्ली में। ओके, अगर हम अप्रॉक्सीमेटली एक पैक्स की बात की जा रही है, तो वो अमूमन अभी तक कितने आपके पास ऐसे, और अगर पूरे शादियों का माना जाए तो ऐसे कितने आ चुके हैं ऑर्डर्स, अगर हम लेके चलें एक अप्रॉक्सीमेटली ग्राफ की बात अगर की जाए? अप्रॉक्सीमेटली आप देखें, साल के अंदर हमारे पास कम से कम 100 ऐसे बड़े इवेंट हम कर चुके हैं लास्ट ईयर, और इस साल हम वी आर एमिंग एट लीस्ट 130।
130. So that's a big amount and it's a huge amount because इस इंडस्ट्री में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है ये देख पाना कि आपके पास क्वान्टिटी तो डेफिनेटली है बट इट हैज़ टू बी अ गुड क्वालिटी और वो क्वालिटी आई थिंक दिस प्रॉपर्टी डेफिनेटली सर्व्स फॉर दैट मैटर राइट रणु जी बिल्कुल सही कहा आपने थैंक यू सो वेरी मच रणु जी फॉर बींग इन आर शो इट वॉज लवली हैविंग यू थैंक यू वेरी मच शादी का घर शादी की बात और अगर हो रही है डेस्टिनेशन वेडिंग या फिर अगर आप ले रहे हैं कोई भी होटल अगर आपका बजट है अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख यानी कि 5 लाख से लेकर ये मंडप से लेकर आपके लिए तमाम वो चीज़ें बन सकती हैं सज सकती हैं एक होटल में जी हाँ सिर्फ इतना ही नहीं अगर आप पूरा का पूरा सेटअप ले रहे हैं और अगर आप 2 दिन के लिए रहना चाहते हैं तो 20 से 25 लाख का बजट भी साथ में लेके चलिए डेफिनेटली फूडिंग के साथ लेकिन इसके अलावा भी अगर आप सिर्फ और सिर्फ खाने का लेना चाहते हैं 2000 प्लस टैक्सेस की अप्रॉक्सीमेटली प्राइसिंग रेंज भी आपके लिए यहाँ पर मौजूद है यानी इन टोटल अगर हम कहें शादी के माहौल में आपके लिए वो तमाम सहूलतें वो तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ मौजूद जो आप अपने लिए सोच रहे होंगे यानी अब घर में शादी की जगह होटल इंडस्ट्री में लेकर आइए और यहाँ पर आकर शादी को एक ग्रैंड वेंचर की तरह अपनाइए तो चलिए इसी उम्मीद पर फिर होगी आपसे मुलाकात शादी के नए एवेन्यूज नए वेंचर्स के साथ दीजिए इजाजत कैमरामैन नवीन जोशी के साथ शागोरिका बैनर्जी